हेलो स्टूडेंट्स, आज मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड और वेलोसिटी समझा था क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटीज़। तो इसी टॉपिक के ऊपर पहले हम कुछ अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये मेन्स लेवल के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है जैसे कि इफ़ अ कार, ये एक बार PMT में आया था क्वेश्चन, कि एक कार है जो 2/5 डिस्टेंस कवर करती है, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ V1 स्पीड एंड 3/5 डिस्टेंस विथ V2 स्पीड। टोटल डिस्टेंस का 2/5 V1 स्पीड से ट्रेवल करती है और 3/5 V2 स्पीड से ट्रेवल करती है, तो फिर एवरेज स्पीड क्या है वो हमें पता करना है। देन एवरेज स्पीड इज, अब देर आर 4 ऑप्शन अवेलेबल, हाफ ऑफ अंडर रूट V1 V2, V1 plus V2 डिवाइड बाय 2 एंड 2 V1 V2 अपॉन V1 plus V2। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 5V1V2 अपॉन साइज V1 plus twice V2। ठीक है, अब जैसा आप लास्ट लेक्चर को आप फिर से एक बार देखिएगा, या तो जैसे हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल डिस्टेंस, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस वो V1 और V2 वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो आपका आंसर क्या आता है, 2V1V2 अपॉन V1 plus V2। एवरेज वेलोसिटी आती है 2V1V2 अपॉन V1 plus V2। अगर ऑब्जेक्ट एक आधी डिस्टेंस कवर करता है दो डिफरेंट वेलोसिटी से, V1V2 से, है ना। लेकिन अब यहाँ इस क्वेश्चन में आधी डिस्टेंस नहीं है, 2/5 और 3/5 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए, आधी होती तो ये ऑप्शन होता हमारे पास 2V1V2 अपॉन V1 plus V2। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये ऑप्शन होता तब उस केस में, और ये ऑप्शन आप कब यूज़ करते हो, V1 plus V2 डिवाइड बाई 2, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और जब आप को जो इतना टाइम लग रहा है उसका हाफ टाइम में आप V1 और हाफ टाइम में आप V2 वेलोसिटी यूज़ करते हो, तो फिर एवरेज V1 plus V2 आप बाई 2 आप लिख सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे इसमें से रिमूव हो गए, अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, तो अगर आप एक कॉमन सेंस लगाएं तो बिना कैलकुलेशन के आप क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर 4 है उसको आप टिक कर सकते हो, कॉमन सेंस से आप इसको टिक कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड और थर्ड तो वैसे ही हट गए, फर्स्ट हमें लग नहीं रहा, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में द मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज दिस ऑप्शन नंबर 4। लेकिन हम इसको सॉल्व करके भी बता देते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कैसे आएगा। कैसे करेक्ट आएगा कि एक टोटल, सपोज एक टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है x, इस टोटल डिस्टेंस का 2/5, सपोज ये ऐसा 2/5, तो ये बचा हुआ क्या होगा 3/5, है ना। ये इसने v1 वेलोसिटी से ट्रेवल की और ये v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया है। ओके, तो आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है x, टोटल टाइम सपोज t1 plus t2 है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 टाइम लगा, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। तो टाइम कैसे निकालते हैं हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये डिस्टेंस क्या है, 2/5 ऑफ x अपॉन स्पीड कितनी है 1, प्लस ये डिस्टेंस है 3/5 ऑफ x अपॉन स्पीड है v2। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो x है, ये इसका LCM आएगा v1 v2, ये जो 5 है ये हो जाएगा 2 v2 x, प्लस ये हो जाएगा 3 v1 x, और ये जो अपॉन वाला 5 है वो यहाँ आएगा। तो x को कॉमन लेके आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 5 v1 v2 न्यूमेटर में चले जाएगा, अपॉन क्या आया, थ्राइस v1 plus twice v2। तो इन दिस वे द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। एक रिलेशन है, रिलेशन गिवन है 3t इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 6।
डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। एक्स किस में है? मीटर में है, यानी एक्स क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। और टी है सेकेंड में, यानी टी क्या हुआ? टाइम हुआ। तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन इस इक्वेशन से गिवन है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कुछ भी, मीटर में गिवन है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट कब फाइंड करना है? व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। देखिए क्वेश्चन को मैंने इस टाइप से लिख दिया है कि दिस इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है जब वेलोसिटी जीरो हो। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। आपको ये इक्वेशन गिवन है, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था कि जब आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन है? एक्स है। तो पहले आप इस इक्वेशन को एक्स के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। ये इक्वेशन हो जाएगी अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 3t माइनस एक्स। जब आप अंडर रूट हटाएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू क्या इक्वेशन है? 3t इक्वल टू अंडर रूट 3t इक्वल टू अंडर रूट 3x है। तो 3x हुआ ये 3t माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, 3t माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab 6 + 8 = 36 प्लस बी स्क्वायर, यह है 3x। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। ठीक है, ये हो गई x की वैल्यू। तो x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है ऑब्वियसली। तो वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा। जब भी x की वैल्यू आपको t के फॉर्म में गिवन हो, आपको वेलोसिटी निकालनी हो, तो क्या कर दीजिए? x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। हमने आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाया है ना, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? 3 तो कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन में है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t। फार्मूला कौन सा यूज़ होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन, एन आगे आ जाता है, एक्स टू द पावर क्या हो जाता है? एन माइनस 1। एक्स की पावर कितनी, टी की पावर कितनी है यहाँ? 2 आगे आ जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगी? 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 12 टी। टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। तो टी की पावर है 1, 1 आया आगे, टी की पावर क्या हो गई? 0 प्लस 12। यहाँ पे तो टी है ही नहीं, 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर से समझा देता हूँ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कांस्टेंट का 0। तो 3 × 2 = 6 टी माइनस 12, टी टू द पावर 0 1 होगा। तो ये आपने निकाली वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था? डिस्प्लेसमेंट कब फाइंड करना था? जब वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो आप यहाँ पे वेलोसिटी को क्या पुट कर दीजिए? 0। व्हेन वी इज इक्वल टू 0, यानी कि 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू कितना आया? 12 सेकेंड्स। तो ये टी की वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए आप? इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 12। सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 + 12 = 24, 24 - 24 = 0। यानी कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। जब वेलोसिटी 0 हुई थी तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था? 0 हो गया था। याद रखिए ऐसा हमेशा नहीं आएगा, है ना, दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जब वेलोसिटी 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो, क्योंकि इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया और जब वो रुक गया, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो फिर तब क्या उसका डिस्प्लेसमेंट था? तो वो इनिशियल से फाइनल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस आएगा, उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, मिनिमम डिस्टेंस को। ठीक, तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि जब वेलोसिटी 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, है ना। बाय चांस यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो आपका आंसर क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि आपने क्या निकाला। आपको निकालना था डिस्प्लेसमेंट कब निकालना था, जब वेलोसिटी जीरो हो। तो आपको वेलोसिटी पता ही नहीं थी, इसलिए पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके। टाइम का फंक्शन था, वो टी को डिफरेंशिएट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ले रहा हूँ मैं एक। इस क्वेश्चन में भी आपको x की वैल्यू गिवन है कुछ इस तरीके से, a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब, एट 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है पार्टिकल की, वो फाइंड करना है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, तो फाइंड क्या करनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x का, जैसे अभी किया था हमने, dx बाई dt फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए x क्या है, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे t तो है ही नहीं, कॉन्स्टेंट है, मतलब a की वैल्यू 15 है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो प्लस बी इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यानी कि वेलोसिटी क्या आई 2bt। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट द वैल्यूज, 2 इंटू बी की वैल्यू है 3, इंटू टी की वैल्यू क्या है 3, टाइम कौन सा है 3 सेकेंड, बी की वैल्यू भी है 3, 3 × 9 = 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू सेंटीमीटर में थी इसलिए। ठीक है, तो वेलोसिटी आई 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, और भी क्वेश्चंस आप करेंगे, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम जो आगे का जो टॉपिक है आपका, स्पीड और वेलोसिटी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, आज हम पढ़ेंगे फिर कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, याद हो आपको क्लास 9 से थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्लास 9th, सब कुछ अभी तक आप क्लास 9th का ही पढ़ रहे हो, ये पूरा मैकेनिक्स क्लास 9th में था आपको, फर्स्ट चैप्टर में ही था फिजिक्स के 9th में, मोशन चैप्टर में। एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या जो स्पीड है वो किस रेट से चेंज हो रही है ना। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ऑब्जेक्ट का और नॉन यूनिफॉर्म है मोशन, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उसकी स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है ये बताता है एक्सेलरेशन। मींस एक्सेलरेशन मींस क्या, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये किसी क्वांटिटी है, ऑब्वियसली वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी किसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसीलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन का इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे ना आप, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ओके, और वी कैन राइट एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। वी इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, यू इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम इंटरवल। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, एंड इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से इसकी, न्यूमरेटर में क्या है वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड, टाइम में क्या है अपॉन में क्या है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इट्स एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर वी कैन राइट इट एज, ये वेक्टर का सिंबल होता है, ऊपर एरो लगा हुआ है ना, ये वेक्टर का सिंबल होता है। वेक्टर का तो हम अलग से ही आपको पढ़ाना पड़ेगा, हमें अलग से एक टॉपिक हम पढ़ा देंगे आपको वेक्टर का अलग से, इस चैप्टर के बाद में है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये पूरा वेक्टर क्या होता है। तो अभी जो 9th के क्लास के अकॉर्डिंगली आप समझते थे कि एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
सो इफ द वेलोसिटी चेंजेस या इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी से इट इज़ एक्सेलरेशन, बट व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। हम क्या बोलेंगे, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम इट इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि वी कम होगा, यू से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आप बोल सकते हो, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन डिक्रीज होगा तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, यानी कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या क्या केसेस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या केसेस पॉसिबल है, क्या क्या केसेस पॉसिबल है, कि तब क्या होगा जब केवल डायरेक्शन चेंज हो, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ऐसे करके कैसा मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है ना, स्पीड मतलब वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन आप ये देखिए उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी हर पॉइंट पे, यहाँ आएगा तो ये डायरेक्शन, यहाँ आएगा तो ये डायरेक्शन, यहाँ आएगा तो ये डायरेक्शन, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी क्या, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में, है ना। हेंस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हो कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो आप बोलोगे कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम ही तो है, तो एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। आप कहोगे कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन भैया यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग इन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। सो अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, किसी भी टाइप से किसी भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ये सब क्या है उसके अंदर, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। और इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में वो परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, कैसे, जैसे सपोज यहाँ है ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स सेंटर, ए की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर। सो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, लेकिन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हुई, टुवर्ड्स सेंटर। तो डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस की बात हो रही है ये, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, इट मींस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इन केस व्हेन ओनली, ये वो केस था जब केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरा केस हम ये ले लेते हैं कि व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस, मतलब वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इसका एग्जांपल क्या होगा, ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैंने कि उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है चलते चलते। तो इसका एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो कि द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, जब उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो
उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो क्योंकि लिखा ना यहाँ पे व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस नॉट डायरेक्शन। इसका एक और एग्जांपल भी हो सकता है मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे कहते हैं ना फ्री फॉलिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल हो ऊपर से नीचे की तरफ गिरे अपने आप, कोई उसको फेंके नहीं थ्रो नहीं करे, तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है अपने आप उसे क्या कहते हैं आप मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। और वो कैसा मोशन होता है एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ऑब्जेक्ट में, ये भी क्लास 9th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में, और कैसा प्रोड्यूस होगा मतलब किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे अगर हम ग्रेविटी अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स दी अर्थ, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो इस केस में क्या होता है जैसे मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल ले रहा हूँ तो इसलिए जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। अगर मैं किसी और एग्जांपल की बात करता जैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है मोशन स्ट्रेट लाइन में तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर आप थ्रो कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलरली, नीचे से ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो ना तो भी उसमें एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है डाउनवर्ड्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है ऑलवेज डाउनवर्ड, ठीक है। तो कोई ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट में नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इस केस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है पैरेलल है वेलोसिटी के, पैरेलल है, पैरेलल या एंटी पैरेलल कह सकते हो आप, मतलब या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में या फिर 180 डिग्री से जस्ट अपोजिट, ठीक। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री से यानी कि जस्ट अपोजिट टू वेलोसिटी, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ये सेकंड केस था। तीसरा केस है, पहले केस में आपने क्या लिया केवल डायरेक्शन चेंज हो, दूसरे में लिया केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो, तीसरे में आप ले लीजिए कि दोनों ही चेंजेस हो, है ना। व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, इसके तो कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कैसा भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। कि आप सिटी में गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, ऑब्वियसली टर्न्स आते हैं तो आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, आपकी वेलोसिटी भी चेंज होती है, क्राउड मतलब क्राउड में आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी डायरेक्शन भी चेंज होगी यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में क्या है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन के इस केस में जब भी टू डायमेंशनल मोशन होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये जो मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है ना, तो इसमें फिर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना फिर, तो उस वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट में हम उस वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं, एक तो वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा और दूसरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और फिर इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसे हम कहेंगे कि ये इसका नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है इसमें एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, कैसे कंपोनेंट पैरेलल और परपेंडिकुलर। इसको मैं एक एग्जांपल से यहाँ समझा देता हूँ कि सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को जैसे किसी स्टोन को किसी पत्थर को या फुटबॉल को किक किया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, तब ऊपर उसको थ्रो करते हो तो ऑब्जेक्ट ऐसा जाता है और आके ऐसे वापस नीचे गिर जाता है, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन टू डायमेंशन चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे आपने उसको थ्रो किया ऑब्जेक्ट ऐसा गया फिर ऐसा आ गया, तो अब क्या देख रहे हो आप ये है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, जैसे पत्थर यहाँ है वो स्टोन यहाँ पे है, कहीं भी हो सकता है इस पोजीशन में वो जब वैसे आप थ्रो कर रहे हो, तो सपोज हमने जैसे कि यहाँ पे है ना, तो ये क्या है ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया ये टेंजेंट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इन्हें एक्सेलरेशन के क्या होंगे दो कंपोनेंट होंगे ऐसा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे कहेंगे आप और एक ये होगा दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट उसके एक्सेलरेशन का, तो फिर जो नेट होगा वो इन दोनों का क्या होता है रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब एक तो वेलोसिटी के पैरेलल होता है और दूसरा वेलोसिटी के क्या होता है
परपेंडिकुलर होता है। तो सॉरी, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी है ना, तो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप वी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट को आप वी साइन थीटा कहते हैं। थीटा ये एंगल है जितने एंगल से आपने थ्रो किया है। अभी जैसे एक्सेलरेशन है ना, तो मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको, ऐसा है ये। तो यहाँ पे है सपोज़ अगर पार्टिकल, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन क्या बोल रहे हैं हम कि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो होता है वेलोसिटी के पैरेलल और दूसरा क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, दूसरा होगा। तो अब ये है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा होगा एक कंपोनेंट, और पैरेलल मतलब एक कंपोनेंट ऐसा ही होगा इसी के तरफ, इसी डायरेक्शन में, ए और ए, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा एक्सेलरेशन के कंपोनेंट। थीटा जो है यही वाला एंगल है आपका, ठीक है। तो इस केस में मतलब एक्सेलरेशन के तीन केसेस हमने डिस्कस करे, कि परपेंडिकुलर, सॉरी, कि केवल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो उसका एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो उसका एग्जांपल क्या है, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो उसका एग्जांपल क्या है, और दोनों चेंज हो तो उसका एग्जांपल क्या है। एग्जांपल में आप यहाँ पे इस एग्जांपल में लिख सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मैंने डायग्राम बनाया वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट कम बैक टू द ग्राउंड अगेन। ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करो आप अदर देन वर्टिकल, सीधे सीधे की बजाय किसी भी डायरेक्शन में, तो वापस ग्राउंड पे आएगा, तो इस मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का आप डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन का अगर आपको यूनिट याद है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू, एम नहीं है तो एम को जीरो लिख सकते हो आप, है ना। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं ऐसे डायमेंशन तो आपको एक्सेलरेशन की है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना, वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। ऑब्वियसली नाम लिखा है ऐसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या रहे, कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग मोशन, उसी को आप क्या कहोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बॉडी इज, डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसका, इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग मोशन, जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में है कॉन्स्टेंट रहे क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, तो उसी को आप क्या कहते हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप, इसका जो एग्जांपल है ना, इसका एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो आप उसको, क्या कह सकते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 9.8 होती है ना वैल्यू, याद होगा आपको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट मींस कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट टाइप ऑफ मोशन। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये अलग से भी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है कि व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स सेम इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, मीन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि वट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
ऑल्सो वेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, इट इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी। अब जैसे एक्सेलरेशन अगर आपको फाइंड करना हो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीटी। जैसे वेलोसिटी निकालना थी तो आपने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करा तो वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डीवी बाय डीटी, वी क्या था, डीएक्स बाय डीटी। वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डीएक्स बाय डीटी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स बाय डीटी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट को आप दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करने से आती है वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें आपको कुछ केसेस बता देता हूँ जिसमें आपको, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना रहा कि एवरेज एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन आप ऐसे निकालना, मैं यहाँ पे आपको एक नोट करके आप लिख लीजिए कि अगर कोई एक पार्टिकल, इफ़ अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फॉर टाइम टी वन बाय एक्सेलरेशन ए वन एंड फोर टाइम टी टू बाय एक्सेलरेशन ए टू, ठीक है, देन जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन वो होगा ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन ये होगा ए वन टी वन प्लस ए टू टी टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, ठीक है। अब वो एक्सेलरेशन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने समझ लिया क्या होता है, एक्सेलरेशन है ना। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये मेंस में आ चुकी है। क्वेश्चन है कि रिलेशन एक आपको गिवन है, टी आपको पता है टी टाइम होगा और एक्स पता है आपको कि वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन गिवन है टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में, रिलेशन गिवन है, अल्फ़ा और बीटा कांस्टेंट है, अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है। तो रिटार्डेशन क्या है आपको ये पता करना है, देन रिटार्डेशन इज, चार ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन नंबर ए है टू अल्फा वी क्यूब, ऑप्शन नंबर बी है टू बीटा वी क्यूब, वी वेलोसिटी है, ऑप्शन नंबर सी है टू अल्फा बीटा वी क्यूब और ऑप्शन नंबर डी है टू बीटा स्क्वायर वी क्यूब। चार ऑप्शन है, टू अल्फा वी क्यूब, टू बीटा वी क्यूब, टू अल्फा बीटा वी क्यूब और टू बीटा स्क्वायर वी क्यूब, दीज आर दी फोर ऑप्शंस, है ना। वी वेलोसिटी है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन, ठीक है, या एक्सेलरेशन एक ही बात है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलोगे आप। टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन गिवन है, हम कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन की क्या होगा एक्सेलरेशन। देखिए टाइम को किसका फंक्शन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स को टी के रिस्पेक्ट में अभी यहाँ नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स की, तो अभी आप एक्स को टी के फंक्शन में नहीं निकाल सकते वैल्यू, टी की वैल्यू एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो आप टी को डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, टी की वैल्यू गिवन है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। क्या निकालिए आप, पहले डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स है ना, डिफरेंशिएशन करिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, आप कई बार कर चुके तो आप तो आदत हो गई होगी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स,
यानी ये हो गया टू अल्फा एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन यानी ये क्या था बीटा, वही एक्स टू दी पावर एन वाले फार्मूले से करेंगे, ठीक है। टू एक्स हुआ इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन यानी टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये डी टी बाई डी एक्स है। अब समझिएगा वेलोसिटी क्या होती है, अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन करे ना, वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन डी टी को बोलते हैं वेलोसिटी। ऊपर क्या लिखा है डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हो गई वेलोसिटी। अब देखिए आप यहाँ पे इस वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको ये इसमें टी नहीं है, इसमें एक्स है, तो वी को आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। तो अब अपन क्या करें, चलो देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वी को एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर सकते हो ना आप, तो पहले आप वी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन अभी मैं ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँगा तो आपको नहीं आएगा समझ में, v की वैल्यू 1 अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा है, तो पहले इसको बस लिख दो वी अल्फा एक्स सॉरी टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का इनवर्स, पावर क्या हुई माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं हम v को। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या निकाल लीजिए dv वी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अच्छा डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इस पूरे को आप x मान लो अगर, और फिर आप फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला, वही जो हम हर बार लगाते हैं, एक ही फार्मूला लगता है बार बार, ये एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो क्या होगा माइनस वन कहाँ जाएगा आगे, और ये टू अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर क्या हो गई एन माइनस वन, यानी माइनस वन दैट इज़ माइनस टू। लेकिन मैंने आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करवाए थे कि जब ऐसा किसी ब्रेकेट का डिफरेंशिएशन करना हो आपको, तो मल्टीप्लिकेशन में आप उस ब्रेकेट का भी अलग से डिफरेंशिएशन करते हो। पहले तो आपने इस पूरे ब्रेकेट को एक्स मान लिया, तो x की पावर n यानी कि n x टू दी पावर n माइनस वन इंटू में जिस ब्रैकेट को आपने x माना था उसका भी डिफरेंशिएशन होता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी सिखाया है। अब क्या करिए आप इस ब्रैकेट का करिए डिफरेंशिएशन, देखिए इसको तो आप ये माइनस वन यानी वन इंटू एनीथिंग वो तो वही रहेगा, और ये क्या पावर में माइनस टू, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले आइए, ये हो गया टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू। अब देखिए इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अब इसकी तो पावर आवर कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट है बस केवल, अंदर सेपरेट कर दीजिए, तो 2 अल्फा x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो क्या बचा 2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे तो x है ही नहीं, बीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ओके इट मींस माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये है dv अपॉन dx की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये dv अपॉन dx की है। तो क्या ये एक्सेलरेशन है, जी नहीं, एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। अभी देखिए आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन क्या है dv अपॉन dt, ठीक है एक्सेलरेशन क्या है dv अपॉन dt, तो एक्सेलरेशन a क्या होगा dv अपॉन dt, लेकिन हमारे पास तो dv अपॉन dt है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा तो कर सकते हैं ना dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, ये देखिए dv अपॉन dt है, यहाँ पे आप dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड, देखिए कैंसिल हो जाएगा तो वापस आ जाएगा dv बाई dt, तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, तो हम पुट कर सकते हैं ना dv अपॉन dx की वैल्यू है माइनस टू अल्फा अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की क्या वैल्यू है ये वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो ये दोनों क्या हो गए क्यूब हो गए, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है माइनस टू अल्फा अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब। और आप देखिए ये v क्या है, v है वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ओके तो आप इसको क्या लिख सकते हो v क्यूब, तो डी वी बाई डी टी यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या आया माइनस टू अल्फा v क्यूब, हेंस आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, मतलब जो आपका सही ऑप्शन है कौन सा सही ऑप्शन है चार में से, टू अल्फा v क्यूब कहाँ गया ये रहा a, ऑप्शन a इज़ करेक्ट 2 अल्फा वी क्यूब, रिटार्डेशन इज दिस, रिटार्डेशन नेगेटिव होता है, तो यस है हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा माइनस में आ रहा,
एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो हेंस रिटार्डेशन कितना है, 2 अल्फा v³ है रिटार्डेशन। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। तो आज के लिए हम इतने ही कर रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस भी एक्सेलरेशन के।